उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विकास खंड नवाबगंज में जिला प्रशासन द्वारा 8 धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कस्बा बाबागंज में 4 क्रय केंद्र हैं जो सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं। सरकार द्वारा निर्धारित रेट 1889 रुपए पर धान का भाव तय किया गया है, लेकिन मजबूर किसान जिसे गेहूं की फसल की बुआई के लिए बीज खाद पानी की जरूरत है, मजबूर किसानों की बेचौलियों के हाथ 900 रुपए में धान बेचने को मजबूर है। गुस्साए किसानों ने कस्बा बाबागंज में संचालित मां राजेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक किसान सम्यक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें सरकारी रेट पर क्रय केंद्रों का तौल न होने पर चिंता जताई गई और दलालों व बिचौलियों की मध्यस्थता से खरीदे जा रहे किसानों के फसल को रोकने पर विचार किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करती हुई क्षेत्र के अग्रणी कृषक राजा राम वर्मा जी ने बताया कि किसान अपनी फसल की लागत का मूल भी नहीं पा रहा है और 900 से 1000 में धान बेचने को मजबूर है। इसी क्रम में स्वामी दयाल सरोज ने कहा कि अगर किसानों का शोषण हुआ तो हम सभी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसका समर्थन क्षेत्र के वरिष्ठ कृषक मोहम्मद दस्तगीर पूर्व प्रधान इरशाद अली ने किया। कार्यक्रम का संचालन भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष शिव पूजन सिंह ने किया। गोष्ठी में आए हुए सभी कृषकों को कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि विजय कुमार त्रिपाठी महामंत्री भाजपा ने कृषकों को आश्वस्त किया कि आप सभी की बात जिले के पदाधिकारियों से मिलकर शासन को अवगत कराई जाएगी। अंत में गोष्ठी में वरिष्ठ कृषक छेदा खान लल्लन, पूर्व प्रधान रंजीत बोझा, नेकी राम पांडे, महेश कुमार, मोहम्मद हलीम, मोहित कुमार शुक्ला, हासिम अली सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। मेरा नाम राजाराम वर्मा है। कहाँ के रहने वाले? दर्जी गांव का रहने वाला हूँ, विकास खंड नवाबगंज, डिस्ट्रिक्ट बहराइच। जी, क्या कहना चाहेंगे आप जो ये किसान की तरफ से एक कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया, जिसमे एक शिकायती पत्र जो है दिया जा रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से धान की खरीदारी हो रही है, उससे हम लोग बहुत ही निराश हैं। निराश इसलिए है कि एक तरफ हमारी सरकार ये नारा दे रही है कि हम किसान के आय को दोगुना करेंगे, तो क्या यही दोगुना करने का मंत्र है? क्या इसी मंत्र के सहारे हम किसानों का शोषण होता है? नहीं, धान कितने में लिया जा रहा है? धान कोई 800 मांग रहा है, कुछ 850 मांग रहा है, कोई 900 मांग रहा है, अभी 1000 कुछ हुआ नहीं है। तो मैं इस राजेश्वरी माँ ट्रस्ट टेबल के माध्यम से कहना चाहता हूँ और संदेश देना चाहता हूँ कि कम से कम क्रय केंद्र जो खोले गए उनको चालू तो किया जाए। आज हमारी आवश्यकता है, हमें डीजल चाहिए, आज हमारी आवश्यकता हमको नई बीज चाहिए, आज हमारी आवश्यकता है कि हमको खेत में रोटावेटर जुताई चाहिए, तो 800 रुपये 900 रुपये में बेच के क्या हम कुछ कर पाएंगे? जो सरकारी क्रय केंद्र है क्या वो संचालित नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। अच्छा, सब बिचौलिए कर रहे हैं, अपना आराम से इकट्ठा कर रहे हैं और 10-15 दिन के बाद इकट्ठे दे देंगे, वो अपना कोटा पूरा कर लेंगे। मर रहे हैं हम लोग किसान लोग, हमारी इसमें समझ लो कि आत्महत्या नहीं हो रही है, मगर आत्महत्या का प्रयास आगे चल जाएगा और इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारे सरकार ही रहेगी। तो वही जैसा कि आप लोग जो ये ज्ञापन दे रहे हैं कि आपके बाबागंज कस्बे में धान खरीद नहीं हो रही है, क्या ज्ञापन है और क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं सरकार से, हमारी मांग है जैसा कि सरकार ने 1868 रुपए का प्रति क्विंटल मूल्य घोषित किया है, लेकिन यहाँ बिचौलिए सक्रिय हैं जो किसानों को 800 से 900 रुपए प्रति क्विंटल खरीद रहे हैं, किसानों का शोषण कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि किसानों का शोषण बंद हो और उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, बिचौलियों की सहभागिता खत्म हो, दलाली खत्म हो। जैसा कि यहाँ पर किसान सहकारी समिति है, तो क्या समिति में धान खरीद नहीं हो रही है? समिति में धान खरीद हो रही है, लेकिन जो बड़े पहुंचदार लोग हैं उनकी खरीद हो रही है, छोटे निम्न वर्ग के किसान परेशान हैं, उनकी खरीद कहीं नहीं हो रही है, ना उनकी कहीं सुनवाई हो रही है। आपका ट्रस्ट इन किसानों के लिए क्या करना चाहता है, क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? हमारा ट्रस्ट इन किसानों के सम्मान में आज मैदान में आया है। हम सभी, अगर चाहे किसान छोटा हो या बड़ा हो, किसान होता है, सभी किसानों की समस्याएं एक होती हैं। हम चाहते हैं कि जो निम्न कोट के किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनकी भी खरीदारी उचित रेट पर हो, उनको भी सरकार द्वारा जो निर्धारित किया गया है मूल्य, उचित मूल्य मिले, और उनको भी आपसे बताएं कि किसान सम्मान पुरस्कार के लिए केवल एक दो लोगों को चिन्हित किया जाता है पूरे ब्लॉक में, लेकिन हमारी मांग है कि जो उचित किसान हो, जो वास्तव में किसान हो, उसका चयन किसान सम्मान पुरस्कार के लिए किया जाए। ये आप लोग ज्ञापन किसको दे रहे हैं? आज हम ज्ञापन देंगे हमारे मंडल के महामंत्री भाजपा के श्री विजय कुमार तिवारी जी हैं। चूंकि अभी छुट्टी का दिन है, कोई अधिकारी है नहीं, और विजय कुमार तिवारी जी ने वादा किया है कि हम आपकी मांग को जिले के वरिष्ठ
जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ शासन तक पहुंचाएंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से बाबागंज विकास खंड से पदयात्रा करते हुए ननपारा उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आमरण अनशन करेंगे। अखंड भारत न्यूज के लिए कमालुद्दीन की रिपोर्ट, बहराइच।